अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के दिन आपको ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर ने अपने घर से झुमके चोरी करके बी जान को दे दिए हैं अपना काम करवाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये झुमके उसके नहीं थे बल्कि उसकी वालदा ने किसी की अमानत रखी हुई थी अपने घर पे। और जब नूर ये काम कर देती है, घर पे आती है, उसकी वालदा बड़ी परेशान टेंशन में होती है क्योंकि वो झुमके ढूंढ रही होती है, किसी की अमानत रखी होती है उन्होंने अपने घर में, जिसके बाद नूर कहती है कि अम्मी क्या ढूंढ रही हैं। जब नूर को पता चलता है कि वो झुमके उसके लिए नहीं बल्कि उसकी अम्मी के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो सोने की कोई चीज़ बनवा सके नूर के लिए, नूर तो यही समझ रही थी कि उसकी शादी के लिए, उसके जहेज के लिए उसकी अम्मी ने कुछ सोना वगैरह बनाया है, लेकिन उसकी वालदा ने ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि किसी की अमानत रखी हुई थी घर में, जिसके बाद नूर की वालदा बड़ी टेंशन में आ गई है, रो रही, परेशान है, बड़ी दुखी है क्योंकि वो किसी की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। इतनी अच्छी उसकी वालदा है, अपनी वालदा की ये हालत देख के नूर से रहा नहीं जाता, बड़ी परेशान सी हो जाती है। नूर की वालदा यही कहती है कि मैं उस लड़कियों की क्या मुंह दिखाऊंगी जिसकी अमानत थी, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। नूर बड़ी दुखी और परेशान होकर बीजान के पास आती है, उनसे यही कहती है कि प्लीज़ आप वो झुमके मुझे वापस दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो किसी की अमानत थी, मैंने अम्मी ने अमानत में खैरत कैसे कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी वजह से हुआ, मैं वो झुमके ले आई थी गलती से समझ के, चाहे वो मेरे लिए हैं बीजान, बस मुझे वो झुमके वापस कर दें, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बीजान को तो मौका मिल गया, ये बानो को तो मौका मिल गया है अब नूर से अपना फ़ायदा उठाने के लिए। जिसके बाद बानो यही कहती है नूर से कि अगर तुम्हें वो झुमके चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिसके बाद नूर ये ऐसी हालत में होती है, वो सब कुछ हाँ में हाँ कह देती है और बानो यानी बीजान से ही कहती है कि बीजान जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे झुमके दे दें, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठा रही हैं बीजान कि नूर की मजबूरी है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं बीजान, बहुत गलत कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि साथ की वालदा बड़ी परेशान सी हो गई हैं क्योंकि वो साथ की शादी परी से नहीं करना चाहती, लेकिन साथ तो परी से ही सिर्फ शादी करेगा। इसके अलावा साथ की वालदा ने बानो यानी बीजान को काफ़ी भारी रकम दी थी इस काम के लिए कि साथ शादी से इनकार कर दे और परी से शादी ना करे, लेकिन साथ तो बजदीद है कि उसी से शादी करेगा। जिसके बाद यानी साथ की वालदा बानो को बीजान को फ़ोन मिलाते हैं, उससे यही कहती हैं कि आपका काम अभी तक नहीं हुआ, आपने कहा था कि काम हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, बल्कि साथ तो और ज़्यादा बजदीद हो गया है कि वो शादी करेगा तो परी से ही करेगा। ये बात सुन के साथ की वालदा की बानो यानी बीजान यही कहती है तो फिर आप उसकी बात मान ले। जब बानो की ये बात यानी बीजान की ये बात सुन के साथ की वालदा एकदम परेशान से हो जाती है, उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं मैं कैसे मान सकती हूँ। जिसके बाद बानो बीजान को यही मशवरा देंगी कि अगर आप उनकी बात यानी साथ की बात मान लेंगी तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। यानी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपके ख्याल में साथ और परी की शादी हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के दिन आपको ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परी नूर के नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर ने अपने घर से झुमके चोरी करके बी जान को दे दिए हैं अपना काम करवाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये झुमके उसके नहीं थे बल्कि उसकी वालदा ने किसी की अमानत रखी हुई थी अपने घर पे। और जब नूर ये काम कर देती है, घर पे आती है, उसकी वालदा बड़ी परेशान टेंशन में होती है क्योंकि वो झुमके ढूंढ रही होती है, किसी की अमानत रखी होती है उन्होंने अपने घर में, जिसके बाद नूर कहती है कि अम्मी क्या ढूंढ रही हैं। जब नूर को पता चलता है कि वो झुमके उसके लिए नहीं बल्कि उसकी अम्मी के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो सोने की कोई चीज़ बनवा सके नूर के लिए, नूर तो यही समझ रही थी कि उसकी शादी के लिए, उसके जहेज के लिए उसकी अम्मी ने कुछ सोना वगैरह बनाया है, लेकिन उसकी वालदा ने ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि किसी की अमानत रखी हुई थी घर में। जिसके बाद नूर की वालदा बड़ी टेंशन में आ गई है, रो रही, परेशान है, बड़ी दुखी है क्योंकि वो किसी की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। इतनी अच्छी उसकी वालदा है,
अपने वालदा की ये हालत देख के नूर से रहा नहीं जाता, बड़ी परेशान सी हो जाती है। नूर की वालदा यही कहती है कि मैं उस लड़कियों की क्या मुंह दिखाऊंगी जिसकी अमानत थी, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। नूर बड़ी दुखी और परेशान होकर बीजान के पास आती और उनसे यही कहती है कि प्लीज़ आप वो झुमके मुझे वापस दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो किसी की अमानत थी, मैंने अम्मी ने अमानत में खयानत कैसे कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी वजह से हुआ, मैं वो झुमके ले आई थी गलती से समझ के, चाहे वो मेरे लिए है, बीजान बस मुझे वो झुमके वापस कर दें, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बीजान को तो मौका मिल गया, यानी बानो को तो मौका मिल गया है अब नूर से अपना फ़ायदा उठाने के लिए। जिसके बाद बानो यही कहती है नूर से कि अगर तुम्हें वो झुमके चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिसके बाद नूर ये ऐसी हालत में होती है, वो सब कुछ हाँ में हाँ कह देती है और बानो यानी बीजान से ये कहती है कि बीजान जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे झुमके दे दें, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठा रही हैं बीजान कि नूर की मजबूरी है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं बीजान, बहुत गलत कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सात की वालदा बड़ी परेशान सी हो गई हैं क्योंकि वो सात की शादी परी से नहीं करना चाहती, लेकिन सात तो परी से ही सिर्फ शादी करेगा। इसके अलावा साथ ही वालदा ने बानो यानी बीजान को काफ़ी भारी रकम दी थी इस काम के लिए कि साथ शादी से इनकार कर दे और परी से शादी ना करे, लेकिन साथ तो वजीद है कि उसी से शादी करेगा। जिसके बाद यानी साथ की वालदा बानो को बीजान को फ़ोन मिलाते हैं, उससे यही कहते हैं कि आपका काम अभी तक नहीं हुआ, आपने कहा था कि काम हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ, बल्कि साथ तो और ज़्यादा वजीद हो गया है कि वो शादी करेगा तो परी से ही करेगा। ये बात सुन के साथ की वालदा की बानो यानी बीजान यही कहती है तो फिर आप उसकी बात मान ले। जब बानो की ये बात यानी बीजान की ये बात सुन के साथ की वालदा एकदम परेशान से हो जाती है, उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप कैसी बातें करें, मैं कैसे मान सकती हूँ। जिसके बाद बानो बीजान को यही मशवरा देंगी कि अगर आप उनकी बात यानी साथ की बात मान लेंगी तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। यानी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपके ख्याल में साथ और परी की शादी हो जाएगी? आपने अपनी गिनती रेखा जाकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो की सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की खाइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ही कमाल की और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के दिन आपको ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से हूर परी नूर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि नूर ने अपने घर से झुमके चोरी करके बीजान को दे दिए हैं अपना काम करवाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये झुमके उसके नहीं थे बल्कि उसके वालदा ने किसी की अमानत रखी हुई थी अपने घर पे। और जब नूर ये काम कर देती है, घर पे आती है, उसकी वालदा बड़ी परेशान टेंशन में होती है क्योंकि वो झुमके ढूंढ रही होती है, किसी की अमानत रखी होती है उन्होंने अपने घर में। जिसके बाद नूर कहती है कि अम्मी क्या ढूंढ रही हैं। जब नूर को पता चलता है कि वो झुमके उसके लिए नहीं बल्कि उसकी अम्मी के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो सोने की कोई चीज़ बनवा सके नूर के लिए, नूर तो यही समझ रही थी कि उसकी शादी के लिए, उसके जहेज के लिए उसकी अम्मी ने कुछ सोना वगैरह बनाया है, लेकिन उसकी वालदा ने ऐसा कुछ भी नहीं बल्कि किसी की अमानत रखी हुई थी घर में। जिसके बाद नूर की वालदा बड़ी टेंशन में आ गई है, रो रही, परेशान है, बड़ी दुखी है क्योंकि वो किसी की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। इतनी अच्छी उसकी वालदा है, अपने वालदा की ये हालत देख के नूर से रहा नहीं जाता, बड़ी परेशान सी हो जाती है। नूर की वालदा यही कहती है कि मैं उस लड़कियों की क्या मुंह दिखाऊंगी जिसकी अमानत थी, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। नूर बड़ी दुखी और परेशान होकर बीजान के पास आती और उनसे यही कहती है कि प्लीज़ आप वो झुमके मुझे वापस दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो किसी की अमानत थी, मैंने अम्मी ने अमानत में खयानत कैसे कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी वजह से हुआ, मैं वो झुमके ले आई थी गलती से समझ के, चाहे वो मेरे लिए है, बीजान बस मुझे वो झुमके वापस कर दें, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद बीजान को तो मौका मिल गया, यानी बानो को तो मौका मिल गया है अब नूर से अपना फ़ायदा उठाने के लिए। जिसके बाद बानो यही कहती है नूर से कि अगर तुम्हें वो झुमके चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जिसके बाद नूर ये ऐसी हालत में होती है, वो सब कुछ हाँ में हाँ कह देती है और बानो यानी बीजान से ये कहती है कि बीजान जैसे आप कहेंगे वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे झुमके दे दें, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। इस मौके से फ़ायदा उठा रही हैं बीजान कि नूर की मजबूरी है और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं बीजान, बहुत गलत कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि सात की वालदा बड़ी परेशान सी हो गई हैं क्योंकि वो सात की शादी परी से नहीं करना चाहती, लेकिन सात तो परी से ही सिर्फ शादी करेगा। इसके अलावा साथ ही वालदा ने बानो यानी बीजान को काफ़ी भारी रकम दी थी
इस काम के लिए कि साथ शादी से इनकार कर दे और परी से शादी ना करे, लेकिन साथ तो वजीद है कि उसी से शादी करेगा। जिसके बाद यानी साथ की वालदा बानो को भी जो इनको फोन मिलाते हैं उससे यही कहते हैं कि आपका काम अभी तक नहीं हुआ, आपने कहा था कि काम हो जाएगा लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बल्कि साथ तो और ज्यादा बजित हो गया है कि वो शादी करेगा तो परी से ही करेगा। ये बात सुन के साथ की वालदा की बानो यानी बीजन यही कहती है तो फिर आप उसकी बात मान ले। जब बानो की ये बात बीजन की ये बात सुन के साथ की वालदा एकदम परेशान से हो जाती है, उनसे कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप कैसी बातें करें, मैं कैसे मान सकती हूँ। जिसके बाद बानो बीजन को यही मशवरा देंगी कि अगर आप उनकी बात यानी साथ की बात मान लेंगी तो इसमें आपका ही फायदा होगा। यानी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपके ख्याल में साथ और परी की शादी हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।